दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। हिमाचल प्रदेश निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है, इसी का नतीजा है कि अभी तक प्रदेश में विदेशी निवेशकों ने लगभग 23,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। आने वाले समय में भी प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए निवेशकों को खुला ऑफर सरकार द्वारा दिया गया है। वह निवेशक आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। ये बात दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुई निवेशकों की बैठक के बाद हिमाचल पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में कही। उन्होंने बताया कि दिल्ली में संपन्न हुई 50 देशों के निवेशकों के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही है। उन्होंने निवेशकों को प्रदेश में टूरिज्म, स्वास्थ्य टूरिज्म, होटल, ट्रैकिंग, कैंपिंग, इको टूरिज्म के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का खुला ऑफर दिया है। इन्वेस्टर्स मीट जो है 7 और 8 तारीख को नवंबर के महीने में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक प्रोसेस होती है जिसमें MOU साइन करने की, अभी तक लगभग 23,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। मैं मानता हूँ कि MOU का मतलब ये नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन एक रुझान उससे पता लगता है। तो उस रुझान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है और हिमाचल में आने वाले समय में प्राइवेट इन्वेस्टर्स हर क्षेत्र में आए काम करें और हिमाचल के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे, उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। जो कदम उठाया है उसमें अब रुझान बढ़ रहा है बहुत सारे लोगों का, और इसमें ये भी हमने सुनिश्चित किया कि इन्वेस्टमेंट का अभिप्राय यही नहीं है कि हम सिर्फ इंडस्ट्री लगाना चाहें या हमने कोई फैक्ट्री लगाने की बात कही है। हमने इन्वेस्टमेंट के लिए अब की बार ओवरऑल जो जिसको बोल सकते हैं एक खुली तरह से जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो निमंत्रण दिया है और एक होलिस्टिक व्यू लिया है। टूरिज्म के सेक्टर में कोई आदमी करना चाहता है टूरिज्म में, अगर इको टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसका स्वागत है, कोई होटलियर लाइन में जाना चाहता है उसका स्वागत है, उसके बाद कोई जो हमारे एडवेंचर की हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उसमें स्वागत है, और हेल्थ इसमें जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारे विशेष तौर से जो हिमाचल के वातावरण में जो स्वास्थ्य के माध्यम से टूरिज्म को प्रमोट करना, वेलनेस सेंटर उस तरह से भी, और उसी तरह से हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में हमारा CS स्टोर, हमारे पास जो सेब होते हैं, आलू होते हैं, मटर होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट तक पहुंचाने की चेन नहीं है। हमारा ये मानना कि लगभग 30% से ज़्यादा जो है हमारा जो प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में सही समय पर नहीं पहुंचने की वजह से उसकी कीमत ठीक नहीं मिल पाती है, और कुछ तो ऐसा हो जाता है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सड़ करके खत्म हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट के लिए हमने ये किया है। तो कुल मिलाकर के एक प्रयास है अपनी तरह का, और इसमें मैंने समय लगाया है और पूरा सब जगह अपनी बात कही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इस बहाने हिमाचल की ब्रांडिंग पूरे देश भर में, देश के बाहर भी हम करने में सफल हुए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से ब्यूरो चीफ अमन अग्निहोत्री के साथ विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।